साइंस स्टैंडर्ड सेकेंड चैप्टर 9 एयर, तो एयर वाला चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने वो रीडिंग हो गई थी एंड ऑल साइट और एक्सरसाइज एंड कंप्लीट। एंड नेक्स्ट है आज का टॉपिक आंसर विद क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर करने। सो फर्स्ट है हाउ डज वेब बाटर चेंज इनटू बाटर वेपर, जो बाटर है वो बाटर वेपर में कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट उसका आंसर द हीट ऑफ द सन, ओके द हीट ऑफ द सन बर्न्स वार्म्स अप द वाटर एंड चेंज इनटू द वाटर वेपर। जो सूर्य की गर्मी से, जो वाटर है वो सूर्य की गर्मी से गर्म होता है और वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ डू वी गेट फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर कैसे प्राप्त होती है, हम कैसे प्राप्त करते हैं। सो आंसर है वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स है वो उनसे हमें फ्रेश एयर प्राप्त होती है। ओके नेक्स्ट है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू यूजेस ऑफ विंड, यहाँ आपको विंड के दो यूज लिखने थे, टू यूज। सो फर्स्ट है एयर हेल्प्स अस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू विंड मिल, एयर की हेल्प से विंड मिल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एयर हेल्प्स बर्ड्स काइट एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई, जो एरोप्लेन है काइट पतंग और बर्ड चिड़िया है इन सबको एयर की हेल्प से उड़ने में हेल्प मिलती है। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड एयर क्या होती है। तो आंसर इसका पोल्यूटेड एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स स्मोक जर्म्स, ओके इटीसी। जो पोल्यूटेड एयर होती है, जो प्रदूषित हवा है उसमें जो एक वो मिक्सचर है जिसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल के कण, धुआं, जर्म्स और भी इटीसी ग्लास वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। सो इटीसी नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट गिव्स अस कम्फर्ट ए ब्रीज एंड ए स्टॉर्म, इसका मतलब है हमें जो एक हम लोगों ने विंड के जो फॉर्म पड़े थे, एयर के फॉर्म पड़े थे, विंड थी जो मूविंग एयर है एंड दो जो है वो ब्रीज है और एक स्टॉर्म होता है। ब्रीज होता है जब जो हवाएं बहुत स्लो चलती हैं एंड बहुत ही वो हमें बहुत कूल लगती हैं और बहुत उनसे हम फील करते हैं कूल। और जो स्टॉर्म होता है मतलब तूफान बोलते हैं जैसे, इसकी जो इसमें ये जब आता है जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं तब। ओके सो यहाँ पे तो हमें इन दो में से कम्फर्ट आरामदायक हमारे लिए कौन सी है। सो यहाँ पे ब्रीज जो है वो आंसर सही होगा, ब्रीज गिव्स अस कंफर्ट, ब्रीज जो है उनसे हमें कंफर्ट फील होता है। ओके तो ये थे आपका क्वेश्चन आंसर एंड होमवर्क में राइट एंड लर्न, इसको आप लिख लेना और लर्न कर लेना। इसके आगे जो एक्सरसाइज है वो बुक में है, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो बुक की एक्सरसाइज करते हैं एंड टुडे इज वर्क इनफ एंड इसको लर्न कर। ओके सो थैंक यू।